हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आईमेड फाउंडेशन के चैनल पे। हम लोग पिछले क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ चुके थे, उसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको पढ़े थे। अब आगे हम लोग इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग हम लोगों के चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और जिसको इम्पोर्टेंट लगे, जिसको इन सब चीज़ों की जरूरत हो उनको शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग अपने अब क्वेश्चन को देखते हैं जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नेचर ऑफ फ्रूट्स, इन सबको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में कर चुके थे, आज हम ये क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हम लोगों से, बोल रहा है कि यूज द डिटरमिनेंट टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसके नेचर को हम लोगों को कमेंट करना है कि इसका नेचर कैसा है। पहला क्वेश्चन हम लोगों का x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नेचर पे कमेंट करने के लिए बोला है, तो उसके लिए हम लोगों को d की वैल्यू चाहिए। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम लोग देखेंगे, यदि हम लोगों की d की वैल्यू 0 होती है तो हम लोग बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यदि d ग्रेटर देन होता है 0 तो हम लोग बोलते हैं कि रूट्स आर एंड डिस्टिंक्ट। यदि d की वैल्यू हम लोगों की लेस देन 0 होती है तो इमेजिनरी, हम लोगों का रूट इमेजिनरी हो जाता है। तो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का, पहला क्वेश्चन जैसा कि हम लोगों का x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। यहां से हम लोग देखेंगे a की वैल्यू हम लोगों की 1 होगी और b की वैल्यू माइनस 4 और c बराबर ये 3 है। इसको जब हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे वहां पे रखेंगे तो b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे b की वैल्यू माइनस 4 है, उसका स्क्वायर करना है माइनस 4 इंटू a। a का वैल्यू हम लोगों का 1 और c की वैल्यू हम लोगों का 3 है। इसको सॉल्व करेंगे, ये 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, ये हम लोगों का d इज इक्वल टू 4 आया। जब d इज इक्वल टू 4 आता है तो रियल और इक्वल होता है। यहाँ पे हम लोग अपने ने यहाँ पे कमेंट करके हम लोग बोलेंगे कि रूट्स आर रियल, इक्वल एंड रेशनल। ये हमारा पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। जो अगला क्वेश्चन हम लोगों का था x² माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं डिटरमिनेंट निकालने के लिए। यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4 और c की वैल्यू यहाँ पे 5 दिया हुआ है। डिटरमिनेंट के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे b की वैल्यू माइनस 4, इसका स्क्वायर करना है माइनस 4 में इंटू करना है a का, फिर जो भी आया उसमें इंटू कर देना है 5c का। यहाँ से 16 माइनस 20
यहां से d की वैल्यू -4 आएगी। जब d की वैल्यू -4 आती है तो रूट्स को हम लोग इमेजिनरी बोलते हैं। या रूट्स आर नॉट रियल, ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होता है। अगले क्वेश्चन पे भी, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, a का वैल्यू यहां पर भी 1, b की वैल्यू माइनस 4 और c इज इक्वल टू 4। यहां पर भी जब डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे तो यहां पे भी हम लोगों को माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो जब d की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये हमारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा क्वेश्चन हुआ। अब यहां से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 1 और c की वैल्यू माइनस 7 आया। यहां से डिटरमिनेंट जब हम लोग निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, यहां से b की वैल्यू माइनस 1, उसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी माइनस 7, 1 माइनस 28, यहां d की वैल्यू माइनस 27। यहां हम लोग लिखेंगे रूट्स आर imaginary not real roots are imaginary not real and irrational। ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में जो भी रूट्स आएगा वो इक्वल होगा। यहां पे हम लोगों को k की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां पर हम लोगों को a की वैल्यू 4 मिली, b की वैल्यू k और c की वैल्यू प्लस 9। यहां से जब हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से हम लोगों को b k स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 4 इंटू 9। यहां पे बोला हुआ है कि रूट्स आर इक्वल। इक्वल का मतलब d की वैल्यू यहां पे 0 है। हम लोग यहां पे 0 वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। 0 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 144। अब यहां से k स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो k इज इक्वल टू अंडर रूट 144, तो k इज इक्वल टू 12। ये हमारा k की वैल्यू होगा, ये आंसर। उसी तरह दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं।
अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है kx² - 5x + k = 0। इस क्वेश्चन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे, यहां पर हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, kx² - 5x + k = 0। यहां पर हम लोग की a की वैल्यू k दिया हुआ है, b की वैल्यू -5 दिया हुआ है और c का वैल्यू भी k दिया हुआ है। यहां से हम लोग डिटरमिनेंट का जब वैल्यू निकालेंगे तो b = b² - 4ac। यहाँ पे बोल रहा है कि जो रूट्स है वो इक्वल है, इसलिए डी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग जीरो डी की जगह पे जीरो रख के सॉल्व करेंगे। b² - 5 का होल स्क्वायर - 4 * a, a की वैल्यू k और c की वैल्यू भी k होने से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 * 25 - 4k² = 0। 25 इस साइड होने और माइनस प्लस 4k² = 24k² / 4। यहां यहां से हम लोगों को k की वैल्यू फाइंड करनी है, k स्क्वायर की। k = √25/4 k = √25/4 k = √5/2। ये होगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ रियल एंड अ डिस्टिंक्ट रूट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट ये हम लोगों को निकालना है। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है kx² + 2x + 1 = 0। इस क्वेश्चन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन kx² + 2x + 1 = 0। ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ था। यहां से हम लोग सबसे पहले a = k b = 2 और c = 1। यहां पे बोल रहा है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका मतलब है कि जो भी डिटरमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब है कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी 0 से बड़ी होगी। इसे हम लोग अब सॉल्व करते हैं। d = b² - 4ac। यहां पे हम लोगों की b की वैल्यू 2, रो का स्क्वायर हम लोग करेंगे माइनस 4ac। माइनस 4 की जगह पे 4 लिखेंगे, इंटू a की जगह पे हम लोग k लिखेंगे और c की वैल्यू हम लोगों की पहले से ही 1 है। यहां पे सॉल्व 2 * 4 - 4k = 2। यहां पे जो भी वैल्यू है b is greater than 4 - 4k, यहां पे हम लोग जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां से हम लोगों को k की वैल्यू फाइंड करनी है। Four minus four
के की वैल्यू बड़ी आनी चाहिए जीरो से। यहां से फोर इज ग्रेटर देन माइनस फोर बाई के, तो के इज ग्रेटर देन फोर बाई माइनस फोर। वन इज ग्रेटर देन के, K की वैल्यू आ जाने आ गई। ये हम लोगों का पहला आंसर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। For what value of k do the following quadratic equation have real roots? यहाँ पे बोल रहा है कि k की कौन सी value के लिए हम लोगों का roots real होगा। पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू टू, बी की वैल्यू टू और सी की वैल्यू के दिया हुआ है। यहां पे बोल रहा है कि रियल रूट्स आर रियल, इसका मतलब है कि जो भी डिटरमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन होगा जीरो के, और d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पे हम जब वैल्यू पुट करेंगे, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इनटू a की वैल्यू भी 2 आई हुई है और c की वैल्यू k है। 4 माइनस c की वैल्यू k, a is greater than zero। यहां से 4 is greater than minus 8 k की वैल्यू k is greater than 4 by 8 1 by इस तरह से हम लोग इस पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो है kx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। kx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर k दिया हुआ है, b की वैल्यू माइनस 2 दिया हुआ है और c की वैल्यू प्लस 2 दिया हुआ है। यहाँ पे रूट्स को रियल बोला है, इसका मतलब d इज इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए।
यहाँ से हम लोग d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ऐसे यहाँ पता लगाएंगे, माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू के और c की वैल्यू टू टू जा फोर फोर माइनस एट डी। अब की बार ये जो भी वैल्यू आई है फोर फोर माइनस एट के ये इसकी वैल्यू ये बड़ा या बराबर होगा जीरो के को उस साइड ले जाएंगे, फोर इज लेस देन इक्वल टू एक सेकेंड इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये हमारा k की वैल्यू है। इस तरह से जो भी नेचर ऑफ अ रूट से संबंधित क्वेश्चंस थे उन सबको हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। अगले क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।